यारो को बनाने वाले प्रोफेसर अग्रवाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड देकर सरकार सम्मानित करेगी? My foot! कोई उन्हें अवार्ड दे या रिवॉर्ड, लेकिन उन लोगों ने जो धोखेबाजी हमारे साथ की है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। रुको रुको, मैं कहता हूँ रुको, देखिए मेरी बात सुनिए, हम बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इन लोगों को अंदर लेकर आ गए? मैं इनको अंदर नहीं लेके आया, ये धक्का मार के मुझे अंदर लेके आए हैं। प्लीज दो मिनट मैम, प्लीज प्लीज नो प्लीज मैम। ओके, दुनिया की सबसे फेमस दामाद की सास है आप, कैसा लगता है आपको मैम? व्हाट सास? वैसे आप तो सास लगती नहीं है, आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। थैंक्स, मेरे खर्चे से। बोलना जरूरी था, सच्चाई निकल आई अंदर से। हाँ तो तुम कुछ कह रही थी। हमें बहुत गर्व होगा, आप हमारी मैगजीन के लिए मॉडलिंग करें, हम आपके ऊपर पूरा सेगमेंट करेंगे। उठो यहाँ से, उठो। हाँ कुछ बोल रही थी, मॉडलिंग। मैम हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे यारो ने बताया होगा कि वो एक रोबो है, या उसने आपके साथ चीटिंग की थी? यारो ने? और चीटिंग? हाँ की थी ना। शट अप। नहीं ऐसा है ही नहीं। अब कैमरा पास में लाना। हाँ बस बस ओके। एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहाँ पर चीटिंग वीटिंग के लिए कोई जगह ही नहीं होती, इसलिए मैंने यारो और संजना की शादी पर उन्हें अपना ब्रांडेड आशीर्वाद दिया था। पीछे को, पीछे को। एक्सक्यूज मी। नहीं हम बहुत थके हुए हैं, हम नहीं इंटरव्यू दे सकते, मैं आई एम सो टायर्ड। सर मैं रिपोर्टर नहीं हूँ सर। तो क्या करने आए हो? सर मेरा नाम दीपक है और हमारा काम सेलिब्रिटी मर्चेंडाइजिंग का है। ओ, ये क्या होता है? सर मतलब सेलिब्रिटी से रिलेटेड हम सामान बेचते हैं सर। अगर आप यारो के ऑटोग्राफ हमें ला देंगे तो हम आपको एक ऑटोग्राफ के पीछे पूरे 1,000 रुपए दे सकते हैं। क्या? जी 1,000? जी। बड़े बड़े। और ये बैठो। थैंक यू, थैंक यू। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि एक ऑटोग्राफ के पीछे पूरे 1,000 रुपए मिल सकते हैं। 1,000? आपको कितने किलो चाहिए? सर सर जितने लाएंगे उतने कम है। नहीं मैं पूछ रहा था, जितने मर्जी ऑटोग्राफ, जितने मर्जी। मेरा दामाद है, वो अपने इकलौते ससुर को बड़ा थोड़ी करेगा। 1,000? यार अभी द एंड हुआ नहीं है, तुम लोग ऐसे दुकान मत बंद करो। The end हो गया है डॉली, बैंक वाले आ रहे हैं फूड ट्रक को लेने के लिए। नहीं हुआ the end, मैं जीजू से बात करूंगी, जीजू हमारी हेल्प करेंगे। डॉली नहीं है, कब तक हम चतुर्वेदी जी के पैसों पे पलते रहेंगे, अब नहीं होगा हमसे। हाँ यार मैं भी अब और यहाँ नहीं रुक सकता, घर वालों का बहुत प्रेशर है मुझ पे, मैं कल जा रहा हूँ यार। तू ऐसे कैसे जा रहा है? तू मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। सुन, और तू चिंता मत कर, मुझे पूरा यकीन है फिल्मों की तरह हमारी लाइफ में भी कोई फरिश्ता आएगा और तेरी मेरी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेगा। तू प्रॉमिस कर, तू मुझे प्यार करके साथ लेकर जाएगा। अली, ये सब जो है ना फिल्मों में होता है मेरी फिल्मेश्वरी। हेलो, आप लोग ही यारो के साथ मिलकर ये फ्रेंड्स फूड कॉर्नर चलाते हो? जी। आपको चोपड़ाज रेस्टोरेंट चेन के बारे में तो पता ही होगा। हाँ। आई एम द ओनर। व्हाट? अरे मतलब सर सर बैठे ना सर। इट्स ओके, मैं आपको एक प्रपोजल देने के लिए आया। मैं चाहता हूँ कि यारो के नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जाए। The theme of the restaurant is going to be Yaro. Yaro ki cheeze, Yaro ke kisse, Yaro ke cuisines ke saath hum is restaurant ko design karenge. Aur main chahta hoon ki aap is restaurant ko chalayein. Main is project mein 100% invest karunga. Aur usme profit ka share aap sab ka hoga 50%. My God.
मैंने कहा था ना फरिश्ता आएगा, फरिश्ता आ गया। तो आप लोग को ये प्रपोजल मंजूर है? यारो ऐसे तैयार हुआ था पहले जब वो संजू को इंप्रेस करना चाहता था और आज जब पूरा वर्ल्ड यारो से इंप्रेस्ड है, सबने यारो को एज रोबो एज यारो एक्सेप्ट कर लिया है, तो संजू यारो के साथ नहीं है। इतने सारे लोग नीचे यारो 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 हुटिंग कर रहे हैं, लेकिन संजू नहीं है। संजू, अगर तुम यारो के साथ होती तो कितना मजा आता। यारो ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। इतना बड़ा धोखा? संजू, और हर्ट भी नहीं करना चाहता था। एक बार शर्त करके बता देते, तुम लोहे के बने हो, तुम वो के बाद तुझे धोखा दिया, दिल तोड़ा तुमने। यारो एक रोबो है, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मी पापा को जेल जाना पड़ता। यारो जल्दी करो बेटा, जल्दी चलो, देर हो रही है। आया पापा। अरे भाई बीना जी, क्या कर रही हैं आप, जल्दी कीजिए। अरे आज टाइम नहीं हमारे पास, बहुत बड़ा दिन है आज का, वी कांट अफोर्ड टू बी लेट। यारो, अरे यारो तुम रेडी हुए करी, मंत्री जी वहां वेट करेंगे नहीं तो बेटा। अग्रवाल साहब, आई एम रेडी। अरे आज तो अच्छी तरह से रेडी होना बनता था ना। सच बिग डे, मेरा यारो सेलिब्रिटी बन गया। सेलिब्रिटी नहीं, यारो हूँ। पापा मम्मी, आपका यारो आपके लिए हमेशा आपका बेटा ही रहेगा, यारो ही रहेगा। यारो आज बहुत खुश है क्योंकि यारो के पापा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड जो मिलने जा रहा है। बेटा, मेरा तो अवार्ड भी तू है, मेरा रिवॉर्ड भी तू है कि हम दोनों तुझे इतना प्यार करते हैं कि पूछो मत। और मैं इतना खुश हूँ आज, इतना खुश हूँ क्योंकि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री खास आए हैं तुम्हें ऑनर करने के लिए। वो तुम्हें इस देश की ऑनररी सिटीजनशिप दे रहे हैं। मैं कितना खुश हूँ, कितना बड़ा दिन है आज हमारी फैमिली के लिए। हाँ पापा, यारों के लिए भी आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं बीना जी? चलिए ठीक है। अरे क्या हुआ यारो, इतना उदास क्यों लग रहा है? संजू की याद आ रही है ना? हाँ मम्मी। आई विश कि संजू अभी होती तो कितना मजा आता। कोई किसी को प्यार करता है तो दूर नहीं जाता, और अगर वो सच्चा प्यार होता है तो वो वापस भी आ जाता है, है ना मम्मी? हाँ। भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते चतुर्वेदी जी। अग्रवाल भाई नमस्कार। भाई? अरे हमारे बड़े भाई है ना।
वाह भाई वाह, हैं? अरे क्या लग रहा है, चतुर्वेदी चिंतामणि का हीरो? हीरो नहीं, यारो हूँ। अरे वाह रे वाह भतीजे। किसका भतीजा? हमारा भतीजा, नहीं तो क्या तुम्हारा भतीजा? अरे अग्रवाल भाई, हम तो पहले से जानते थे कि जो हमारा भतीजा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। अरे इसके जैसा सेकंड नथिंग, मतलब कोई दूसरा है ही नहीं है? अरे समंदन जी, समंदन जी नमस्ते। भाई सब तैयार है ना? चलो सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हम बिल्कुल रेडी हैं। गो गा पापा, सर फोटोग्राफ पे ऑटोग्राफ दे दिया यारो ने। ये आप किस लिए ले रहे हैं? ये ऑटोग्राफ है, बेचूंगा ना इसको बाद में। अरे अग्रवाल साहब, आपको पता है हमारी सोसाइटी की प्रॉपर्टी रेट कितने 5 गुना बढ़ गए हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो भी यारो की वजह से। अब बहुत अच्छा हुआ है, तो मैंने चंगे टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अब मेरा फायदा ही फायदा। ये यार, तुम जब देखो घटिया बातें करते रहे तो फायदा नुकसान फायदा नुकसान। अरे भाई तुम्हारा दामाद ना सेलिब्रिटी हो गया है। क्या हो गया? अरे भाई सेलिब्रिटी हो गया है। वैसे भी भाई जिसका दामाद लोहे का हो ना, उस कबाड़ी को तो फायदा फायदा है ना। वो तो है। चलो चलो, फिर लेट हो रहे हैं, चलो आओ नीचे आओ। प्लीज लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी आइएगा। चलिए हेड रोली जरा। हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जीजू। अरे रात भर लक्के बनवाया है। हां ओए मेरे जीजू, ओए मेरी साली। ए अपने यारों के लिए कितना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? यार बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेम कहाँ है? उसने मेरी सास ससुर को बताया कि नहीं बताया कि वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया है, और अब तो चक्कियां भेजने की जरूरत नहीं है। बता दिया। इनफैक्ट जो बलराज है ना, उसने हमको एडवांस भी दे दिया, वो उन पैसों से कुछ खरीदने गया। हाँ? क्या पता नहीं, पता चल जाएगा। हाय अमर। अरे प्रेम। हेलो डॉली। इसकी पकड़। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब मैं पिंच कर। ओके। सपना नहीं है डॉली, सच है। क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझे तुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता है। ये तो सच है। तेरे दिल में मेरे लिए प्यार था, जता कितने दिनों बाद रहा है। पहना दे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। I love you. Love you too, डॉली। कोई बात नहीं बेबी, अब सिर्फ टूर में। यारो 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 भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ पे यारो जैसा क्रिएशन मौजूद है। यारो एक मशीन होने के बावजूद उसने अच्छे बेटे का फर्ज अदा किया, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि यारो को हम इस देश का ऑनररी सिटीजनशिप भी दे रहे हैं। तालियां।
यारो 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 यारो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज यारो जो कुछ भी है वो अपने पापा और मम्मी की वजह से है। आई एम सो थैंकफुल टू देम। यारो आज खुश होंगे ना आप, इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है आपको। यारो बहुत 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 खुश है। और संजू कभी बहुत मिस कर रहा है। आई विश कि संजू यहां पे होती तो वो भी बहुत खुश हो जाती। यार संजू से बहुत प्यार करता है, लेकिन यारो जानता है कि आफ्टर ऑल यारो एक मशीन है। यारो संजू की रिस्पेक्ट करता है, उसके इमोशंस की वैल्यू करता है, क्योंकि पापा ने यही सिखाया है। लेकिन आप सबने यारो को इतना प्यार दिया और इतना साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। यारो मशीन नहीं हूं, यारो हूं। पापा ये पूछते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, बताऊं कैसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.